ये जो ब्लैक बर्ग है ये किंगडम एनीमिलिया को बिलोंग करता है और फाइलम कॉडेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा एंड क्लास ममेलिया क्योंकि ये बच्चों को बर्थ देता है इट गिव्स बर्थ टू यंग वंस एंड इट फीड्स दोस यंग वंस एटियोडक्टाइला चार पैर होते हैं इनके और बवीडिया इनके जो है पैरों में हूफ्स लगे हुए रहते हैं जैसे आपने गायों के देखे होंगे नीचे हूफ्स लगे हुए इस तरह के हूफ्स रहते हैं इसके अंदर और इन जो स्पीसीज़ है दैट इज़ नोन एज एंटीलोप सर्वी कैपरा इनका लाइफ स्पैन जो है ये टेन टू फिफ्टीन इयर्स तक जिंदा रह सकते हैं और गैलप करते हुए जो है ए फास्ट रनर्स भी होते हैं ये एटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग सकते हैं इनका वेट ट्वेंटी टू फिफ्टी सेवन के जी है और हाइट जो है वो सेवेंटी फोर टू एटी फोर सेंटीमीटर के लगभग पाया जाता है और लेंथ जो है हंड्रेड टू वन फिफ्टी सेंटीमीटर की लंबाई इसमें देखी गई है ब्लैकबग जो है इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ एंटीलोप एंटीलोप स्पीसीस में ये आता है ब्लैक जिसको हम काला हिरन भी कहते हैं ये स्लेंडर और एलिगेंट बॉडी है इसका इसके जो है हुफ्स जो है, वो डेलिकेट और पॉइंटेड होते हैं और इनके ऊपर जो है ये जो इनका मुंह अगर हम देखें जैसे बकरी वगैरह होते हैं उनका मुंह जैसे मुजल होता है उस तरह से मुंह होता है इनका और टेल जो है वो शॉर्ट होती है हॉर्न्स जो है वो सिर्फ मेल्स में पाए जाते हैं यानी नर में पाए जाते हैं हॉर्न्स आर फाउंड ओनली इन मेल्स और कलरेशन जो है वो भी डिपेंड करता है जेंडर पे यानी मेल और फीमेल दोनों का कलर जो है वो डिफरेंट होता है मेल्स जो हैं वो ब्राउन होते हैं डार्क ब्राउन कलर होता है और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है यानी थ्री इयर्स के बाद अगर हम देखें इन मेल्स को तो इनका स्किन जो है वो ब्लैक कलर में हो जाता है तो ऊपर का जो बॉडी है वो ब्राउन होता है और जो अंडर पार्ट्स हैं नीचे की तरफ जैसे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं नीचे से वाइट होता है जबकि पैर और ऊपर का जो बॉडी है वो सब जो है ब्राउन कलर का होता है और अगर ज़्यादा एज के मेल होते हैं तो वो ब्लैक कलर के होते हैं सो हॉर्न्स आर फाउंड ओनली इन मेल्स फीमेल्स में हॉर्न्स नहीं होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल्स हैव व्हाइट अंडर पार्ट्स इंक्लूडिंग द इनसाइड ऑफ द लेग्स एज वेल एज वाइट रिंग अराउंड देयर ईयर आईज़। जैसे मैंने बताया बॉडी जो है ऊपर से ब्राउन होती है डार्क ब्राउन होती है पैर पैर भी जो है वो बाहर से ब्राउन होते हैं बट अंदर की तरफ से जो है पैर भी वाइट होंगे और जो नीचे जो एब्डोमिनल एरिया है वो भी वाइट होगा और जो आई से आंखें हैं उनके चारों तरफ वाइट लाइन की तरह वो एक रिंग की तरह दिखाई देता है ड्यूरिंग देर लाइफ मेल ब्लैक बक्स ग्रेजुअली बिकम डार्कर जैसे एज बढ़ती है मेल ब्लैक बक्स की वैसे वैसे उनका जो कलर है वो डार्क होता चला जाता है जो हैं मेल के नीचे से जो है वो रिंग की तरह दिखाई देते हैं स्पाइरल रिंग्स की तरह और ट्विस्टेड होता है चार तीन से चार ट्विस्ट उसके अंदर देखे जा सकते हैं हॉर्न्स के अंदर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है इंडिया में और ईस्टर्न पाकिस्तान में इंडिया में जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न एरियास और सेंट्रल इंडिया में जो है ये जहाँ ग्रास हैं वहाँ ज़्यादा ये देखे गए हैं क्योंकि दे प्रिफर ग्रास टू ईट दे आर वाइड स्प्रेड इन ओपन वुडलैंड सेमी डेजर्ट्स एंड ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट हमारे यहाँ जो राजस्थान में है वो सेमी डेजर्ट्स हैं सेमी एरिड जोनस हैं कोटा में भी जो है आप ब्लैकबर्क देख सकते हैं और बहुत मानी हुई जगह यहाँ पर है वो है सोरसन यू ऑल नो सोरसन बारह डिस्ट्रिक्ट में आता है ये और सोरसन जो है ये कम्यूनिटी बायोसफियर है जहाँ काले हिरण जो है बहुत अधिक संख्या में वहाँ पे पाए गए हैं और वहाँ पे इनका कंजर्वेशन होता है तो यू कैन सी हर्ड्स ऑफ ब्लैक और दूसरा हमारा जो नोन वेरी वेल नोन स्पेस इज़ दैट ऑफ ताल छापर ताल छापर जो है वो वेस्टर्न राजस्थान में है नागौर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक आर अवेलेबल इन दिस प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पर आप बहुत अधिक संख्या में जो है ब्लैकबर्ग देख सकते हैं और वी ऑल नो दैट द स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो ब्लैक बर्ग ब्लैक बग जिसको हम एंटीलोप सर्वे कैपरा भी कहते हैं इट इज अ मीडियम साइज एंटीलोप एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ये एंडेमिक यानी दे आर फाउंड हियर ओनली इन इंडिया और जहाँ पे घास होती है सवाना हैबिटेट्स हैं वहाँ पर ये बहुत अच्छे से फैले हुए मिलते हैं इट डिस्प्लेस एक्सट्रीम सेक्शुअल डायमोफिज़म जैसे आपको बताया था अभी मेल और फीमेल बिल्कुल डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स उसके अंदर देखे गए हैं जैसे मेल के अंदर तो हॉर्न् फीमेल में हॉर्न्स नहीं होते हैं मेल का जो स्किन कलर है वो ज़्यादा डार्क होता है फीमेल का जो है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है तो दिस टाइप ऑफ सेक्शुअल डायमोरफिज्म इज़ क्लियरली विजिबल इन मेल एंड फीमेल ब्लैक बग एंड हाईली वेरिएबल सोशल एंड मेटिंग सिस्टम इनके अंदर जो है सोशल और मेटिंग सिस्टम भी जो है वो काफ़ी डिस्टिंगश्ड है इसके अंदर जो मैं आगे आपको रिप्रोडक्शन और इनके सोशल बिहेवियर में बताऊँगी ब्लैक बर्ग इज़ अ डाई यूरनल एनिमल दैट इज़ इट इज़ एक्टिव मेनली डूरिंग डे दिन में ये काफ़ी एक्टिव होते हैं जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे इनकी एक्टिविटी जरूर कम हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है और वैसे जो है ये पूरा दिन जो है ये घास चरते हुए दिखाई दे सकते हैं ग्रेजिंग ग्रास दे कैन बी फाउंड इन ओपन एरियाज ब्लैक बर्ग पॉपुलेशन फ्लक्चुएट्स मोस्टली इन रेस्पॉन्स टू दैटेस्ट्रोपिक इवेंट्स एज फ्लड्स एंड रॉड्स ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है अगर कोई कैटेस्ट्रोपिक इवेंट हो जाता है जैसे कि बाढ़ का आना या अकाल का पड़ना ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इनके पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है और इनकी जो फिकेंडिटी है यानी जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि एवरी सिक्स मंथ्स में जो है द फीमेल कैन गिव टू वन काफ एक फॉन को प्रोड्यूस कर सकती है बट प्रडेशन और फूड अवेलेबलिटी को देखते हुए जो है इनका जो पॉपुलेशन है वो मेनटेन हुआ रहता है दैट इज वी ऑल नो दैट इन एवरी इकोसिस्टम द पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड बाई ए बायोटिक एज वेल एज बायोटिक फैक्टर्स जिसमें ए बायोटिक में तो ये कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स आ सकते हैं जैसे फ्लड्स ड्रॉट्स फायर एक्सेट्रा और बायोटिक में जो है प्रेडेशन कंपटीशन ये इन सब कारणों के वजह से जो है ये इनका पॉपुलेशन मेंटेन होता है ऑल्दो इनकी जो है हाई फिकेंडिटी है बट फिर भी जो है इनका पॉपुलेशन मेंटेन होता है द कम्बाइंड प्रडेशन ऑन काफ्स एंड एडल्ट बाय जैकॉल्स उल्फ्स एंड फेरल डॉग्स कैन पोटेंशली रेगुलेट देयर पॉपुलेशन बिलो न्यूट्रिशनल कैरिंग कैपेसिटी जैसे आपको बताया था कि प्रेडेशन प्रेडेशन का मतलब काफ और जो एडल्ट ब्लैक बक्स हैं इनका इनको शिकार कौन कर रहे हैं जैकल्स वुल्फ्स और फेरल डॉग्स जो जंगली कुत्ते जो घूमते रहते हैं प्रोटेक्टेड एरियास और ओपन स्पेसेस में ये इनका शिकार करते हैं और इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं मेल बक्स ब्लैक बक्स जो है उनकी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होती है जैसे फीमेल्स जो हैं अगर पंद्रह साल तक जिंदा रह सकते हैं तो मेल्स जो है वो दस साल तक जिंदा रह सकते हैं और इनकी मोर्टेलिटी जो है मिड लाइफ में ज़्यादा पीक होता है और वो किससे में आ, हो रहा है करस्पॉन्डिंग टू अ पीक इन मेट कॉम्पिटिशन क्योंकि मेटिंग में जो है ब्लैक बक्स जो एडल्ट ब्लैक बक्स होते हैं उनमें आपस में टेरिटोरियल फाइट भी हो सकती है और फीमेल को लेकर के कंपटीशन हो सकता है और यही एज है जब इनकी मोरटैलिटी जो है वो पीक होती है नाउ द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ब्लैक के अंदर छह डिफरेंट एज ग्रुप्स देखे गए हैं दे, जो डिफरेंट सेक्स क्लासेस हैं वो छह देखे गए हैं जैसे कि एडल्ट मेल एडल्ट फीमेल सब एडल्ट मेल सब एडल्ट फीमेल और यरलिंग मेल यानी एक साल का नर और फोन यानी जो बच्चा जो पैदा हुआ है वो तो ये छह डिफरेंट एज ग्रुप्स जो हैं वो ब्लैक बक में देखे जा सकते हैं और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इनका उसमें छह विभिन्न प्रकार के सोशल ग्रुपिंग्स यानी ग्रुप यानी जो हर्ड्स की तरह क्योंकि वी ऑल नो दैट एंटीलोप्स जो है वो हर्ड्स यानी झुंड में रहते हैं तो अगर लोन टेरिटोरियल मेल है यानी एक मेल है या यूनी एनिमल यूनी फीमेल यूनी मेल यूनी फीमेल यानी एक मेल और एक फीमेल तीसरा है बैचलर हर्ड बैचलर हर्ड का मतलब सभी नर ब्लैक बक्स वहाँ पर उस जगह पे पाए जाते हैं तो उसको हम बैचलर हर्ड कहते हैं जिसमें अडल्ट मेल हो सकता है यानी अडल्ट नर सब एडल्ट मेल हो सकता है और यरलिंग मेल यानी एक साल का मेल ये सब अगर झुंड में एक साथ रहते हैं तो हम उसको बैचलर हर्ड कहते हैं और मिक्स हर्ड हम किसको कहेंगे जिसमें एडल्ट मेल है सब एडल्ट मेल है यरलिंग मेल भी है और एडल्ट फीमेल और सब एडल्ट फीमेल और फॉन यानि सारे जो सिक्स वैरायटी ऑफ जो सेक्स ग्रुप्स के जो एज ग्रुप के थे वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं तो उसको हम मिक्सड हर्ड कहेंगे और हरम हरम हर्ड हम किसको कहते हैं जिसमें एक एडल्ट मेल होता है और बाकी सब जो है वो एडल्ट फीमेल और सब एडल्ट फीमेल और उनके बच्चे अगर उस टेरिटरी में पाए जाते हैं तो उसको हम हरम हर्ड कहते हैं और फीमेल हर्ड जो छठा ग्रुप है वो है जिसमें सभी मादाएं हैं एडल्ट और सब एडल्ट और उनके बच्चे उसको हम फीमेल हर्ड कहेंगे तो ब्लैक बक्स जो है वो पार्शल सोशल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं यानी सॉलिटरी भी देखने को मिलते हैं और हर्ड्स में भी देखने को मिलते हैं जैसे आपको छह जो डिफरेंट टाइप्स बताए थे सोशल ग्रुपिंग में उसमें लोन टेरिटोरियल मेल भी देखा है और जिसमें एक मेल और एक फीमेल है वैसा भी ग्रुप देखा है तो इसीलिए क्या है कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्शल होता है यानी सॉलिटरी भी हैं और हर्ड्स यानी ग्रुप्स में भी रहते हैं इसमें आप देख सकते हैं ये जो मेल ब्लैक कलर का ब्लैक बक है इसका नाम इसी वजह से आया है ब्लैक बक क्योंकि इनका जो स्किन है थ्री इयर्स के बाद अगर हम देखें उस नर को तो उनका जो स्किन है ब्राउन से ब्लैकिश में चेंज हो जाता है तो आप नीचे भी जो दूसरा चित्र है उसमें भी हार्ट देख सकते हैं जिसमें एक मेल दिखाई दे रहा है और बाकी फीमेल्स दिखाई दे रहे हैं फूड हैबिट्स इनके कैसे हैं दे प्रिफर टू ग्रेज यानी जो शॉर्ट ग्रास है छोटी छोटी जो घास होती है या जो क्रॉप्स हैं जो खेत हैं उनमें भी जो सीरियल्स लगे रहते हैं उनको भी वो खाते हैं इसलिए क्रॉप रेडिंग के वजह से जो है ये ह्यूमन बींग के दुश्मन भी माने जाते हैं क्योंकि खेतों को बर्बाद कर देते हैं सारा जो उनका जो सीरियल जो उग रहा होता है उसको वो नष्ट कर देते हैं तो एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट है जिसको ह्यूमन पसंद नहीं करते हैं वो है क्रॉप रेडिंग बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक बक्स अब इसके अंदर जो है ये टी जे ड्रॉबर्ट्स ने लिखा है कि ये पानी नहीं पीते हैं पानी अगर मिलता भी है तो भी वो नहीं पीते हैं तो दैट मीन्स इनको पानी कहाँ से आ रहा है ग्रास जो घास वो खा रहे हैं उसी में से ही उनकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो फुलफ़िल हो रही है इसीलिए आप देखिए ये सेमी डेज़र्ट एरियाज में आराम से बहुत अच्छे से इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है जो वेस्टर्न राजस्थान में जैसलमेर एरिया है और जोधपुर एरिया है यहाँ पर आप देखो बहुत अच्छी तादाद में ये ब्लैकबर्ग पाए जाते हैं तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ़ द एडेप्टशन दैट दे डू नॉट रिक्वायर वाटर पानी की इनको आवश्यकता नहीं होती है ये भोजन में से ही उस पानी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं तो रॉबर्ट्स का ये कहना है कि ये जो नाइट्रोजन जो है हमारे बॉडी के अंदर जैसे हम यूरिया और यू, यूरिन में जो है यूरिया के फॉर्म में या अमोनिया के फॉर्म में उस नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं एनिमल्स तो ये उस नाइट्रोजन को शायद ये रिसर्कुलेट कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर और उसको जो है वो यूरिन में निकालने के बजाय जो है उस नाइट्रोजन को अपने बॉडी में ही रिसर्कुलेट कर लेते हैं अब रिप्रोडक्शन इनका कैसा है मेटिंग जो है वो थ्रू आउट द ईयर हो सकता है बट रटिंग एक्टिविटी जो है वो मार्च अप्रैल और अगस्त अक्टूबर में ज्यादा देखा गया है कॉमनली जो है मेटिंग इस टाइम पे पीक पीरियड में देखे गए हैं मार्च अप्रैल और अगस्त और अक्टूबर अब जब ये मेटिंग uh, करते हैं यानी ड्यूरिंग द रट द मेल मेच्योर मेल है टेरिटरी जब इनको मेटिंग uh, करना होता है द रट टाइम उस वक्त ये क्या करता है मेल जो है एडल्ट मेल जो है अपना टेरिटरी मार्क कर लेते हैं टेरिटरी कैसे मार्क करते हैं जैसे इनका जो आँखों में से निकलता है एक लिक्विड जैसा उससे और इनके जो है फीकल्स फीकल्स जो है वो जगह जगह वहाँ पर डिपोजिट करते हैं और उसमें भी फेरोमोन्स निकलते हैं उससे जो है वो उस टेरिटरी को मार्क करते हैं और इस टाइम पर जब ये टेरिटरी मार्क करते हैं उस वक्त मेल्स जो है वो एक्सट्रीमली एग्रेसिव हो जाते हैं और अपने टेरिटरी मार्क करने के बाद उस एरिया में दूसरे मेल्स को आने नहीं देते हैं फीमेल्स को विज़िट करने देते हैं वहाँ जो फीमेल रह रहे हैं इसके अलावा बाहर से भी फीमेल्स आते हैं तो उसको तो वो नहीं रोकते हैं बट अगर कोई मेल आता है तो उससे वो फाइट करते हैं और उसको भगा देते हैं द गेस्टेशन पीरियड इज़ सिक्स मंथ्स यानी जो फीमेल है वो छः महीने तक जो है वो उसके अंदर बच्चा पनप रहा होता है डेवलपमेंट हो रहा होता है और सिक्स मंथ्स के बाद वो एक सिंगल यंग को बर्थ देती है और ये जो बच्चा जो पैदा होता है जैसे ही वो पैदा होता है वैसे ही वो खड़ा होकर के दौड़ना शुरू कर देता है तो इसको हम प्री भी कहते हैं यानी वो उनके पैर जो हैं बच्चे के पैर वो जैसे ही बाहर आया बच्चा पैदा हुआ वो अपने पैर पे खड़ा हो जाता है और फिर फुदकने लग जाता है और ये जो फीमेल्स जो एक बार बच्चे को बर्थ देते हैं उसके बाद जो है एक महीने के बाद वो फिर से पार्चुरेशन कर सकते हैं यानी दे कैन मेट विद द मेल टू गिव बर्थ टू यंग जुवेनाइल इसमें आप देख सकते हैं मेल और फीमेल ड्यूरिंग द रट सीजन और ये जो नीचे जो है मादा द तो फीमेल ब्लैक बर्ग विथ अ फोन इसमें फोन देखिए जैसे ही पैदा होता है वो वैसे ही अपने पैरों पर तुरंत खड़ा हो जाता है दिस इज नोन एज प्री कॉक्यूकअल अब इनका बिहेवियर कैसा होता है जैसे कि अभी हमने उनके एज ग्रुप्स देखे हमने उनके सोशल ग्रुपिंग देखी तो उससे हमें साफ समझ में आ गया है कि ये सोशल एनिमल्स हैं जो झुंड में रहते हैं पाँच से पचास एनिमल्स या उससे भी अधिक हर्ड्स में तादाद में भी ये एनिमल्स रह सकते हैं और ये जो हर्ड्स हैं वो हरम्स के की तरह भी रहते हैं जिसमें एक फीमेल सॉरी एक एडल्ट मेल और काफ़ी सारी फीमेल्स जो एडल्ट और उनके बच्चे सब साथ में रहते हैं जिसको हमने बताया था हरम हार्ड they tend टू बी diurnal ड्यूरिंग द कूल सीजन वही जो दिन में एक्टिविटी इनकी अच्छी रहती है जैसे जैसे धूप निकलती है वैसे वैसे एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है तो अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून यानी तीन चार बजे के करीब जो है ये इनकी एक्टिविटी अच्छी रहती है बाकी टाइम जो है ये शेड्स जो पेड़ों की छाया है उनके अंदर रेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं द ब्लैक आर वेरी शाई एंड वेरी ये काफ़ी शाई नेचर के होते हैं जैसे ही कोई उनके नज़दीक जाएंगे तो वो तुरंत भाग जाते हैं इनकी जो सेंस ऑफ स्मेलिंग और हियरिंग जो है वो काफ़ी अच्छी डेवलप मतलब काफ़ी डेवलप नहीं होता है दे आर नॉट हाईली डेवलप यानी वो सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति उनकी कम होती है इसीलिए ये अपने जो दुश्मन हैं यानी जो प्रेडेटर्स हैं उनके ऊपर नज़र कैसे रखते हैं आँखों से आँखों से जो है वो इधर उधर करके हमेशा अपनी नज़रों से ही देखते रहते हैं और जैसे ही डिटेक्ट कर लेते हैं कोई खतरा है तो कोई सा भी ब्लैक बग जैसे ही खतरा भांप लेता है वो ऊंची छलांग लगा करके उछलता है और बाकी सारे उनके उनके पीछे भागने लग जाते हैं सो वेन इन डेंजर अ सिंगल एनिमल बाउंड इन द एयर एंड इज सून फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ द हर्ड जैसे ही नज़रों से उनको पता चल जाता है कि आसपास खतरा है तो वैसे ही एक ब्लैकबक उछल उछाल उछालता है यानी अपने आप को उछालता है ऊंचे हवा में और तुरंत जो है उसके पीछे सब लोग भागने लग जाते हैं दिस एनिमल्स हैव ग्रेट स्पीड एंड एंडस वेन इन डेंजर दे कैन मेंटेन अ गैलप विद स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आवर ये जो है काफ़ी अच्छा तेज़ दौड़ने वाले जानवर हैं उछाल भरते हुए जो है छलांग भरते हुए जो है ये पंद्रह मील तक जो है भाग सकते हैं अच्छी स्पीड से दे आर यूजअली साइलेंट बट समटाइम्स फीमेल गिव अर हिस्सिंग नॉइस दैट वॉन्ट्स द हर्ड ऑफ डेंजर जनरली ये बहुत शांत रहते हैं बट कभी कभी देखा गया है कि जो फीमेल्स हैं वो एक हिस्सिंग साउंड निकालते हैं जब उनको किसी खतरे के बारे में अंदेशा हो जाता है तो अपने हर्ड को यानी अपना जो झुंड है उसको वार्न करने के लिए वो हिसिंग साउंड निकालते हैं कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ब्लैक बॉक द ब्लैक बॉग वॉज वंस द मोस्ट अबेंडेंट हुफ्ड मैमल इन इंडिया एंड पाकिस्तान बट दे पॉपुलेशन हैव बीन ग्रेटली रिड्यूस थ्रू एक्सेसिव हंटिंग एंड लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्लैक बग जो है पहले बहुत बहुत अधिक तादाद में जो है इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता था बट क्योंकि एक्सेसिव हंटिंग हुआ है इसका शिकार हुआ है और लॉस ऑफ हैबिटेट जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए फॉरेस्ट का कट करना और वो जो ग्रासलैंड्स जो इनके लिए अवेलेबल थे उसमें एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना और इंडस्ट्रलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इन से कई कारणों के वजह से जो है इनका हैबिटेट जो है वो ख़त्म होता चला गया तो इनका जो पॉपुलेशन है वो घटता गया तो आई कैटेगरी में ये लिस्ट कंसर्न में आते थे पर अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है ये शेड्यूल वन में रखा गया है बिकॉज दे आर नाउ थ्रेटन एनिमल्स इसमें आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें दो नर ब्लैक बक्स जो है वो फाइट कर रहे हैं और इस फाइट के दौरान क्या कई बार इनके हॉर्न्स भी जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं तो दिस टेरिटरल फाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड और सोशल बिहेवियर ऑफ ब्लैक बक्स थैंक यू सो मच